सावरकर के रत्नागिरी पहुंचने के एक पखवाड़े के भीतर ही 23 जनवरी 1924 को वहां एक हिंदू सभा का शुभारंभ हो गया था। बैठक में बाबा राव सावरकर, वकील भास्कर नानल, महादेव सहस्रबुद्धे, विष्णु पटवर्धन, पुरुषोत्तम भीखाजी जोशी, गजानन पटवर्धन, हरि गांधी, नारायण जोग, प्रहलाद जोशी एवं महादेव पटवर्धन शामिल थे। सावरकर खुद इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना मौन समर्थन दिया था। रत्नागिरी हिंदू सभा की इस आरंभिक बैठक में एक बार फिर हिंदू की परिभाषा पर विचार किया गया और इस संदर्भ में सभासदों ने 1923 में सावरकर द्वारा कारागार में लिखी शब्दावली का इस्तेमाल किया। आसिंधु सिंधु पर्यंत यश भारत भूमि का पितृभू पुण्यभूश्चैव स वय हिंदुरीति स्मृत। भारत भूमि के इस विशाल भूभाग को जब देखते हैं, सिंधु नदी से सिंधु समुद्र तक, यह भूमि उसके पूर्वजों की और पवित्र भूमि है। वही है जिसे हिंदू कहा और उस रूप में याद रखा जाएगा। संगठन की वार्षिक सदस्यता शुल्क 4 आना तय किया गया। हालांकि जो यह शुल्क देने की हालत में नहीं थे, यदि उनमें लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विश्वास दिखता तो फीस माफ कर दी जाती। त्योहारों, विवाह समारोहों एवं घरों में अन्य शुभ कार्यों के अवसर पर रत्नागिरी के लोगों से संगठन को सहयोग करने का अनुरोध किया जाता। रत्नागिरी हिंदू सभा के आरंभिक वर्षों के दौरान श्री शाहू नगरवासी कंपनी और ललित प्रभा संगीत मंडली जैसी थिएटर कंपनियां और व्यायामशालाएं अपनी आधी आय अनुदान के रूप में दिया करती। वकील बाबा राव नानल अध्यक्ष और जीवी पटवर्धन को सभा का सचिव चुना गया। यह भी निर्णय किया गया कि इलाहाबाद में होने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सम्मेलन में सभा का एक सदस्य उसका प्रतिनिधित्व करेगा। बलवंत समाचार पत्र के संपादक के तौर पर सभा को लोकप्रिय बनाना और अधिकाधिक लोगों को उससे जोड़ने की जिम्मेदारी भी पटवर्धन पर थी। सभी सदस्यों को सावरकर की हिंदुत्व, शुद्धि एवं अस्पृश्यता निवारण जैसी पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी गई, जो वही की प्राधान्य पाठशाला से प्रकाशित हुई थी। पाठशाला का आरंभ 1916 में आध्यात्मिक गुरु स्वामी केवलानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में हुआ था। सरस्वती तिलक के निकट सहयोगी थे और उनका आश्रम क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित स्थान समझा जाता था। उन्होंने एक विद्यालय आरंभ किया जहां राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवादी संवेदनाओं की शिक्षा दी जाती, जिसे 1908 में अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती बंद करवाया गया था। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक टिप पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं विक्रम संपत की विनायक दामोदर सावरकर पर लिखी किताब सावरकर एक विवादित विरासत। 600 पेजों की इस किताब की कीमत है ₹550 और इसे प्रकाशित किया है पेंगविन ने। ये किताब अमेजन और दूसरी ई कॉमर्स साइट्स पर छूट के साथ उपलब्ध है। आइए सुनते हैं इसी किताब का एक और हिस्सा। 26 फरवरी 1924 को स्वातंत्र के संस्करण से सावरकर ने छद्म नामों से बतौर स्तंभकार काम करना शुरू किया। उनके पहले लेख का नाम उनकी प्रसिद्ध कविता मेरी आत्मा ही मेरी प्रताड़क है ओ महासागर पर रखा गया, जिसे उन्होंने 1909 में अपने मित्र मदनलाल ढींगरा की मृत्यु के बाद ब्राइटन में समुद्र किनारे बैठकर लिखा था। कविता के अलावा इसमें उन सब वीरों और क्रांतिकारियों की सूची थी जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए थे या अभी तक विभिन्न देशों में निर्वासन झेलकर संघर्ष कर रहे थे। 13 अप्रैल को उन्होंने नेपाल यानी हिंदू संगठन नामक एक और लेख लिखा। हिंदू महासभा के अनेक विचारकों और विशेषकर सावरकर को विश्व के एकमात्र हिंदू राज्य नेपाल के प्रति विशेष आकर्षण था।
सावरकर ने लिखा कि अफगानिस्तान भी एक समय हिंदू सभ्यता का अंश था, परंतु अफसोस कि दो सदियों के इस्लामीकरण ने उसे भारत के खिलाफ कर दिया। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर का गुंबद औरंगजेब के शासनकाल के दौरान तोड़ा गया था, परंतु नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर अभी तक सकुशल था और हिंदू गौरव की गाथा सुनाता है। यह सचमुच गौरवपूर्ण आदर्श है और भारत को इसके साथ निकटवर्ती एवं मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए। ये थे सावरकर के उस लेख के अंश। आप सुन रहे थे विक्रम संपत की लिखी पुस्तक सावरकर एक विवादित विरासत का अंश। आप बुकट्यूब से जुड़े रहिए, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। हम आपके लिए और किताबों की जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।